वर्ल्ड कप 2023 में बुमराह से भी खतरनाक इस खिलाड़ी की टीम इंडिया में हुई एंट्री। 150 की स्पीड से उखाड़ता है गिल्लियां, बल्लेबाजों का टिकना हो जाएगा मुश्किल। हर मैच में टीम इंडिया के लिए बनता है तुरुप का इक्का, वर्ल्ड कप में मिलेगा मौका। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के बीच वर्ल्ड कप का खुमार धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो चुका है। इस बार 12 साल बाद एक बार फिर भारत विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार 2011 में जब विश्व कप का आयोजन हुआ था तब टीम इंडिया ने खिताब पर अपना कब्जा किया था। इस बार भी तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस को यही उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार इतिहास दोहराएगी। विश्व कप में भारतीय टीम में कौन कौन खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे इसका पता तो समय आने पर ही चलेगा। हालांकि एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी जगह फिक्स मानी जा रही है। भारत इस साल ICC वर्ल्ड कप का आयोजन करने जा रहा है। इससे पहले साल 2011 में भी भारत ने इसकी मेजबानी की थी, तब MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब जीता था। इस बार भी फैंस को यही उम्मीद है कि भारत ही विश्व कप जीते। विश्व कप 2023 के शेड्यूल की घोषणा हो चुकी है। टूर्नामेंट का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 5 अक्टूबर से खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से है जो 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा। देखना होगा कि इस बार रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होती है या नहीं। भारतीय टीम में इस वक्त एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। IPL के जरिए बहुत से युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। यही नहीं, इसके आधार पर कई खिलाड़ियों को टीम इंडिया में भी चयन हुआ है। चयनकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्ल्ड कप की टीम चुनने की होगी। हालांकि एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका वर्ल्ड कप के लिए टीम में चयन लगभग पक्का है। वो तेज गेंदबाज और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज है। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने इस साल वनडे फॉर्मेट में भारत के लिए अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने 8 मैचों में 19 विकेट झटके हैं। इस दौरान 13.21 औसत रहा है। वह 2 बार 4-4 विकेट भी ले चुके हैं। बता दें कि इस दौरान वह ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर भी है। ऐसे में इस साल टीम इंडिया जब वर्ल्ड कप खेलने उतरेगी तो मोहम्मद सिराज से काफी उम्मीदें होंगी। पिछले कुछ समय से मोहम्मद सिराज ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। वह टीम इंडिया के गेंदबाज से आक्रमण की अहम कड़ी बनकर उभरे हैं। वह पारी की शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और काफी किफायती साबित होते हैं और वो वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाने के प्रबल दावेदार हैं। भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए कुलदीप यादव पर भी भरोसा जता सकती है। उन्होंने इस साल वनडे में 15 विकेट लिए हैं। वे भी वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का हिस्सा है। कुलदीप के पास वनडे सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर जगह पक्की करने का मौका होगा। भारतीय टीम और भी गेंदबाजों को आजमा सकती है। इसमें मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट का नाम भी शामिल है। उनादकट की लंबे वक्त के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।